आपके साथ नम्रता। बिग बॉस सीजन 13 फेम शहनाज गिल अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। बीते दिनों आई खबरों ने एक्ट्रेस के फैंस को थोड़ा निराश कर दिया था। इन रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि शहनाज गिल को सलमान खान की फिल्म भाईजान से बाहर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ये भी खबरें थी कि एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर सलमान खान को अनफॉलो भी कर दिया। ऐसे में अब खुद शहनाज गिल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट जारी किया है। इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने फिल्म से बाहर होने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। फिल्म भाईजान से बाहर होने की अफवाहों पर रिएक्शन देते हुए शहनाज गिल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, बीते कुछ हफ्तों से इस तरह की अफवाहें हर दिन मुझे एंटरटेन करती हैं। मैं लोगों के फिल्म को देखने का इंतजार नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, मैं खुद को भी फिल्म में देखना चाहती हूँ। शहनाज गिल के इस पोस्ट के जरिए एक बात क्लियर हो गई कि वो अभी भी सलमान खान की फिल्म का हिस्सा बनी हुई हैं। बीते हफ्तों में जो भी अफवाहें सामने आई उन सभी पर शहनाज गिल ने पूर्ण विराम लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शहनाज गिल को फिल्म में जस्सी गिल के ऑपोजिट देखा जाएगा। जस्सी से पहले फिल्म में आयुष शर्मा और शहनाज गिल की जोड़ी ऑन स्क्रीन दिखाई देने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आयुष शर्मा ने फिल्म से अपने हाथ पीछे खींच लिए। वहीं दूसरी तरफ सलमान खान फिल्म में पूजा हेगड़े के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करते हुए दिखाई देंगे। दोनों की फ्रेश जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी एक्साइटेड हैं। फिल्म में राघव जुयाल, वेंकटेश और मालविका शर्मा भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगी। फरहाद सामजी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म इस साल के लास्ट में रिलीज होगी। पहले इस फिल्म का नाम कभी ईद कभी दिवाली था, लेकिन विवादों से बचने के लिए फिल्म का नाम बदल दिया गया। वैसे आप शहनाज गिल और सलमान की फिल्म भाईजान को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।